अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे होंगे आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अब जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैनांस पे आप किस तरह USDT सेल कर सकते हैं। इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बाय करने का मुकम्मल तरीका बताया था। इस आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने जो USDT है या क्रिप्टो करेंसी है उसको सेल किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बिनांस एप्लीकेशन में। बिनांस एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो इसमें आप ये सामने जो देख रहे हैं डिपॉजिट रेफरल टूर्नामेंट और मोर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप इसमें जाने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसको नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन होगा, ये ट्रेडमार्क, यहाँ पे कन्वर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी करेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी करेंसी है शिबन, ये आपने शिबन है और USDT जो भी लेना है आपने कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे आप शिबन की मेरे पास 47,000 तो यहाँ शिबन आ रहे हैं, तो मैक्सिमम करता हूँ तो इसके बदले में मुझे कोई नहीं मिला। इसको मैं करने के बाद यहाँ पे नीचे पे आ रहा है प्रीव्यू कन्वर्सेशन, यहाँ पे आप से क्लिक करेंगे तो ये आपको ना अच्छा इसकी मिनिमम अमाउंट आ गई है। मिनिमम अमाउंट आप 20,00,000 तक ना शेयर में कर सकते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ईजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे नीचे यहाँ USDT लिखा हुआ है, यहाँ पे वो इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। प्रीव्यू कन्वर्जन करेंगे आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें USDT में। अब USDT में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब आपने USDT को कैसे सेल करना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जी यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब आपके पास स्पॉट वैलेट में पड़े हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपने उठा के फंडिंग में डाल देंगे। ये फ्राम आ रहा है स्पॉट में, आप USDT कन्वर्ट कर दीजिए, पीछे जो मैंने आपको तरीका बताया है, अब उसको आपने फंडिंग में यहाँ पे फंडिंग में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे आप अमाउंट अपनी लिख देंगे, जितना भी आप सेलेक्ट कर देंगे कौन सी चीज़ आपके पास, आप USDT कर लेंगे। USDT करने के बाद वो आपके पास फंडिंग में चला जाएगा, जब वो फंडिंग में आ जाएगा तो वो फिर आपके पास उसको मजीद बैंक में जाएंगे, वैलेट में आएंगे तो यहाँ पे फंडिंग आ रहा है जिस स्पॉट के पास ओवरव्यू स्पॉट फंडिंग में यहाँ पर आपके पास वो शो हो रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत ही कम तादाद में पड़ी हैं, यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपने यहाँ से निकालने कैसे हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वापस होम के बाद आपको जाना पड़ेगा पी टू पी ट्रेडिंग में। आपने जाने के बाद यहाँ पे जैसे आपने बाइक करने का पिछली वीडियो में आपको बताया था इस तरह सेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सेल करेंगे। यहाँ पे अब लिमिट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ ट्रेडर्स की, आप 5,00,000 से 20,00,000 समथिंग तक यहाँ पे इसे HS के ट्रेडर से सेल कर सकते हैं या सेल लिया है। इसी तरह के नीचे लिमिट्स आ रही है, मिनिमम लिमिट्स भी और मैक्सिमम लिमिट भी। मिनिमम लिमिट का ये मतलब है कि आप इस इतने ही कम से कम इतने सेल कर सकते हैं इस ट्रेडर को, हर किसी की अपनी लिमिट्स हैं, आप देख लें जो आपको सूटेबल लगती है उस पर आप कर लें या जितने आपके पास अवेलेबल हैं या जितने आप सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जी ये है 30,000 अमाउंट तक, हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने USDT कर लेनी है। यहाँ पे आपने इजी पैसा कर लें, जैस कैश कर लें, बैंक ट्रांसफ़र वो यहाँ से हो जाएगा, ऐड करेंगे यहाँ से वो जिसका उसका ट्रांसफ़र कर दे रहा है ना पीछे, ये यहाँ पे दे रहा है वो इजी पैसा हो नहीं आ रहा है, बायर का जो मेथड है सेलर का वो इजी पैसा है, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसका अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही इजी है, बजाय इसके कि आप लोकल ट्रेडर को सेल और परचेज करें। हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।